हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना पिन या पैन कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल तरीके पे आपको भी फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना पिन या पैन लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लाइक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, स्मार्ट लॉक, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना होगा और अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना जो आपने सेट कर रखा है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटअप, तो सेटअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गाइस आपको अपना फिंगर लगा। तो ये अपना फिंगर आपको इस तरीके से लगाना है और रिमूव करते रहना गाइस। जब तक कि हमारा फिंगर पूरा नहीं लगता, हमें अपने फिंगर को इसी तरीके से लगाना है और रिमूव करते रहना है। तो गाइस देखिए हमारा जो फिंगर है वो ऐड हो चुका है और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फिंगर वन, जैसे कि गाइस आप अपने फोन में अपना फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका ऐड ए फिंगर प्रिंट, जैसे कि आप अपने घर में अपने कज़न वगैरह या अपने बहन वगैरह, सिस्टर वगैरह या ब्रदर का किसी का भी अपना फिंगर ऐड करना चाहते हैं अपने घर में, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं दूसरा फिंगर। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर प्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।